एक लड़का रोटी के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा था, जिसे कोई नहीं मिलता है। उसे एक आदमी अकस्मात मिल जाता है जिसके 3 बेटियां होती हैं, और वो अपने घर उस बच्चे को ले जाता है और उस बच्चे को रखता है। लेकिन उसकी जो 3 बेटियां होती हैं, उस गरीब बच्चे के साथ, अनाथ बच्चे के साथ वो कृत्य करती हैं कि सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके भी आंसू निकल पड़ेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ा सा समय निकाल करके, अगर हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक करने से हमारे वीडियो आगे बढ़ता है और आपका प्यार। तो चलिए, बिना समय बिताए हुए हम इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अलीगढ़ का किस्सा है, जो अलीगढ़ की, उत्तर प्रदेश की कहानी है। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शिवम, जिसकी उम्र लगभग तब 10 वर्ष हुई होती है, जिसके माता पिता अकस्मात एक एक करके, पहले माँ गुजर जाती है, 1 साल बाद पिता गुजर जाते हैं, वो अकेला रह जाता है। अकेला जब रह जाता है तो उसके जो चाचा और चाची होते हैं उस बच्चे को रख लेते हैं। उन्होंने सोचा इसके माता पिता तो गुजर ही गए हैं, लेकिन अब इसे रख लेते हैं। उसे खाना पीना खिलाते थे, लेकिन उसके जो बच्चे थे उन्हें लाड दुलार ज्यादा मिलता था। लेकिन उस अनाथ बच्चे को सुबह की रोटी, शाम की सुबह फटे पुराने कपड़े। लेकिन चाचा चाची ने एक दिन उसके साथ वो काम किया कि उसे प्यार से पुचकार करके सारा वसीयतनामा करवा लिया। जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी सारी लिखवा लेते हैं। सब कुछ लिखवाने के बाद फिर उसके जो बच्चे होते हैं, चाचा के लड़का लड़की, उसे मारपीट करते हैं। चाचा चाची भी उससे प्यार नहीं करते तो उस बच्चे के पैर उखड़ जाते हैं। वो एक दिन बैठ करके रोने लगता है, काश आज मेरे माता पिता होते तो मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। जब कोई नहीं होता, 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया, 2 दिन तक उसे रोटी नहीं दी गई। बेचारा इधर उधर मांग मांग के खाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया, अनाथ बच्चे के माता पिता खत्म हो गए और इसे भोजन नहीं दिया, इन्होंने बहुत गलत किया। एक दिन उस बच्चे को धक्का मार के रात में घर से निकाल दिया गया। लेकिन बेटा वो चला जा रहा है, सोच रहा है कि आज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, आज जिंदा नहीं रहूंगा। दोस्तों, कहानी सुनकर के आपके आंसू निकल पड़ेंगे। थोड़ा समय निकाल कर कहानी अवश्य सुनिए। ऐसा होता है, वो लड़का वहां से किसी से 10-20 रुपए मांग लेता है, मिल जाते हैं, कहीं मजदूरी करता है। वो कहीं जाने की सोचता है कि यहाँ से बेटर रहेगा, किसी की मजदूरी करेंगे या कहीं नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे। उसकी उम्र उस समय 14 वर्ष होती है। एक बस में बैठता है। बस में बैठने के लिए उसका कोई मुकाम नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, उसका कहाँ मंजिल था, कहाँ रुकना है, कोई पता नहीं था। बस में अचानक बैठ जाता है। बैठने के बाद उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों से आंसू थे, फटे पुराने कपड़े थे। लेकिन एक व्यक्ति होता है नेक, बैठा हुआ होता है। वो पूछता है, बेटा आप रो क्यों रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो लड़का अपनी पूरी दास्ता उस बुजुर्ग को बताता है, जिनका नाम होता है राम सेवक। राम सेवक कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? तो पूरी दास्ता बताता है, तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे ये तक नहीं मालूम कि मुझे किस मंजिल पर जाना है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, केवल 2 रोटी के लिए भटक रहा हूं, मेरा सब कुछ ले लिया मेरे चाचा चाची ने। तो रामसेवक को उस बच्चे पर दया आती है। रामसेवक जो होते हैं बेचारे, ये गाजियाबाद के रहने वाले होते हैं, इनके कोई लड़का नहीं था, 3 लड़कियां थी, सोनम, गीता और नेहा और माता पिता। तो वो सोचते हैं कि मेरे भी कोई बेटा नहीं है, अगर ये बना रहेगा तो घर का काम करता रहेगा, 14 वर्ष का लड़का है, ये क्या कर सकता, हमारी लड़कियां बड़ी। कहा, बेटा अगर मेरे घर पे चलो, तुमसे जो काम बन पाए वो करना, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ते रहना, और हमारी 3 बेटियां हैं, आप मेरे घर पे चलो। तो लड़का सोचता है, अगर हमें 2 रोटी से मतलब है, जो भी काम करेंगे प्यार तो मिलेगा, भरपेट भोजन तो मिलेगा। यही सोचकर वो बालक शिवम उनके साथ चल पड़ता है। जब उनके साथ चल पड़ता है और उनके घर पहुंच जाता है, उनकी 3 बेटियां थी, देख करके पूछा, पिताजी ये कौन है? बोले
आप इसे अपना भाई समझिए, ये आपका भाई है। वो लड़का को देख करके लड़कियां बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, हमारा भाई की तरह है, मेरा भाई है, ऐसे कहकर वो लड़कियां उसे रख लेती हैं। उस लड़के को एक रूम अलग दिया जाता है, उसमें सब कुछ व्यवस्था होती है, उस बच्चे को जिसका नाम शिवम होता है सब बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त कहीं भी किसी जगह कहीं मोड़ ले सकता है। लड़का बड़ा सुंदर था और देखने में खूबसूरत था, हाइट भी ठीक थी बच्चे की, लेकिन वो लड़की जो थी उस लड़का को बहुत ही इंतहा प्रेम करती थी और ये कहती थी कि ये मेरा भाई है, इसे बहुत लाड द्वार करती थी। लेकिन उसमें जो बड़ी लड़की होती जिसका नाम होता है सोनम, उस लड़के को कुछ अधिक प्यार करती थी लेकिन अपनी बात उससे नहीं कह पाती थी। अधिक प्यार करने के बाद जो भी घर का काम होता है वो सारा काम करवाता है और उन्हें बहन करके बोलता था, और यहाँ तक होता है कि उसे स्कूल में भी जाने की इजाजत मिल गई थी। बोले बेटा अगर पढ़ना है तो आप कॉलेज भी जा सकते हो। कहा ठीक है, मेरी किस्मत में कॉलेज तो नहीं है, मैं पांचवी छठवीं पढ़ा हूँ, बहुत है इतना। इसके बाद दोस्तों एक दिन की बात है कि जो राम सेवक होते हैं उन्होंने उसे रूम अलग दिया था, उनकी जो बड़ी बेटी होती है एक किसी और लड़का से प्रेम करती थी। शिवम होता है रात में अपने रूम में सोया हुआ होता है, उसे कोई मालूम नहीं था। अकस्मात रात में उसका गेट खुलता है, कुंडी बजती है, तो वो शिवम गेट खोलता है तो देखता है कि कोई और नहीं है, उनकी बड़ी बेटी सोनम जो होती है गेट पर दस्तक देती है, कुंडी बजाती है। वो देखता है अपनी ओर कि सोनम आ रही है, तो वो कहता है कि दीदी बात क्या है, आप हमारे रूम में आज इतने वक्त कैसे आ गई, बात क्या है। जब वो लड़का ये बात कहता है तो सोनम कहती है कि डरो मत, तुम ऐसा करो यहां से उठो और नीचे जहाँ सोफा पड़ा हुआ है जहाँ लोग बैठते हैं वहां जाकर सो जाओ, आज रात को ये कमरा हमें दे दो। वो लड़का उठता है, उठने के बाद और जहाँ लोग बैठते हैं बैठक में जो पड़ा हुआ था सोफा उस पर सो जाता है। उधर जो वो लड़की होती है उसका दोस्त रात में आता है उसके रूम में और आने के बाद रुकता है सोनम के पास, वहां कुछ खाया पिया जाता है, पन्नी पड़ी होती है, सब कुछ होता है। सवेरे उसकी जो दो बहनें और होती हैं नेहा और गीता, जब देखती हैं कि ये अपने रूम में सोया हुआ था और यहाँ कैसे, और उसकी जो बहन होती है वो सुबह 5 बजे उठकर अपने रूम में पहुंच जाती है। दोनों लड़कियों ने कहा पिताजी ये अपने रूम में सोया था, यहाँ आके सो गया, ये तो ठीक नहीं है। जब उससे कहा गया राम सेवक नाराज हो गए, तुम्हें वो रूम दिया गया लेकिन यहाँ हमारी लड़कियों में कैसे आप सो गए। तो शिवम कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती क्यों नहीं है, तुझे रूम दिया गया लेकिन तूने ऐसा क्यों किया। जब उसे डांटा फटकारा गया तो वो कहने लगा आपकी बड़ी बेटी रात में आई थी, उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया, मुझे नहीं मालूम इसमें कौन क्या हुआ, तो उसमें देखा गया उसमें पन्नी पड़ी थी, खाए पी चॉकलेट बिस्कुट जो भी खाया पिया सब कुछ था। तो उसके पिता को कुछ शक होता है कि मेरी बेटी कुछ गलत करने जा रही है, इस पर दोष लगाया जाता है। लेकिन राम सेवक उस बच्चे पे भी गुस्सा थे, अपनी बड़ी बेटी पे भी गुस्सा थे, बड़ी बेटी पे ज्यादा गुस्सा थे। कहा कि तूने जो गलत किया है इसका सबक हम सिखाएंगे। वो दो बेटियां होती हैं वो उस लड़के पर गुस्सा थी, कहा हो सकता है कि इसने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है, इसे भी सबक सिखा के रहेंगे। लेकिन बड़ी बेटी को जब ज्यादा डांटा फटकारा उस लड़के से कहा, तो बड़ी जो बेटी होती है उसके पिता आ रहे होते हैं तो शिवम से कहती है कि ऐसा करो एक पत्थर उठा करके और पिता की तरफ फेंक दो, इनके सर में चोट लग जाए और हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा अंधेरा होता है तो उन दोनों की सलाह है और वो पत्थर उठाता है उसके कहने से, लेकिन मारना तो पैर में चाहता था लेकिन सर में लगने से राम सेवक गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। राम सेवक की मौत हो जाती है। उसके बाद में जो उसकी दो बहनें होती हैं उस बच्चे पर ऐसा इल्जाम ठोंक देती है, पुलिस आ जाती है, रिपोर्ट होती है उसके नाम में और कहा जाता है कि इसने मेरे पिता को मौत के घाट उतारा है, इसने पत्थर मारा, मेरे पिता की मौत हो गई। मारा तो था लेकिन उसने कहा मैंने नहीं मारा, ये सोनम है, इन्होंने कहा था कि पत्थर फेंक दो, मुझे नहीं मालूम था कि आ रहे हैं।
दोस्तों, तो उसमें दोष अकेले उस बच्चे का नहीं था, उस सोनम बड़ी बेटी का भी उसमें हाथ था। वो चाहती थी पिता खत्म हो जाएगा, फिर जो होगा वो कर ले। दोस्तों, पुलिस आती है, वो दोनों बेटियां जो उससे इंतहा प्रेम करती थी उसके खिलाफ FIR करती है, उस बच्चे को अपनी बहन को पकड़वा देती है। उसके बाद में वो दोनों जेल चले जाते हैं, सोनम और शिवम। जेल जब चले जाते हैं तो एक ही बैरिंग में दोनों को रखा जाता है। रखने के बाद कुछ समय यूं ही गुजरता है। गुजरने के बाद जब पत्रकार आते हैं तो उनसे सारी इंक्वायरी की जाती है कि आखिरकार ऐसे क्या किया गया। तो सोनम बताती है कि मैं एक बच्चे से प्रेम करती थी, एक लड़के से, और मेरे पिता उसमें टांग अड़ाते थे, मुझे परेशान करते थे। एक दिन मैंने शिवम के कमरे में जाकर के उस लड़के को बुलाया, शिवम को दूसरी जगह लिटा दिया। मेरे पिता उसी दिन से मुझ पर शक करना शुरू हो गए, लेकिन मैंने पिता को मरवाया नहीं। पत्थर उठा के इसने फेंका था, लेकिन पिता के सर में लगा तो उनकी मौत हो गई। मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन समय चलते साल दो साल बाद दोनों की रिहा हो जाती है। रिहा होने के बाद सोनम जो होती है वो कसम खाती है, अगर हम अब जिएंगे मरेंगे तो शिवम के साथ मरेंगे, अन्यथा अब हम कुछ कर नहीं सकते। उसकी जो दो बहनें होती हैं, अंत में वो भी ये कहती हैं कि कोई बात है, अगर पिता खत्म हो गए हैं तो बहन को निकालना है, लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा। दोनों को रिहा होकर के वो लड़की अपने घर उस लड़के को लेकर आती है। अपनी दोनों बहनों से कहती है कि अगर मेरे पीछे ये जेल में गया है, इसके पीछे हम गए हैं, तो हमारा विचार ये है कि अब बदनामी से बढ़कर हो क्या सकता है। अब हम शादी करेंगे तो शिवम के साथ करेंगे, ये हमसे छोटा जरूर है, ये 20 वर्ष का हो गया तो मैं 26 साल की हो गई हूँ, शादी इसी से करेंगे। दोस्तों, उसकी जो बहनें होती हैं वो सोचती हैं कि अगर ये शादी हो गई तो बदनामी बहुत होगी। तो दोनों बहनें जो होती हैं बहुत गलत उसके साथ करती हैं। शिवम के साथ जहर जो होता है, एक दिन चाय में जहर लेकर के आती हैं, जहर पिलाने के लिए और बड़ी नमकीन बिस्कुट सब कुछ तैयार होता है, लेकिन कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। चाय जब रख दी जाती है और दोनों बहनें होती हैं और तीसरी वो भी होती है सोनम, लेकिन सोनम को नहीं मालूम था कि इसमें जहर मिला हुआ है, हमारी बहनों ने इसके लिए गलत काम किया है। लेकिन वो लड़का कहता है कि अभी हमने दतौन नहीं किया है, कोलगेट कर ले। कोलगेट करने जाता है, तब तक होता ही है कि जो कफ होता है चाय का वो अदल बदल हो जाता है, बदल जाता है। जो वो दो लड़कियां अपने लिए लेकर के आई थी, वो जो कफ होता है वो तो उस लड़के ने और उस सोनम ने पी लिया, और वो दो कफ बाकी रह जाते हैं, उनमें थोड़ी टिक लगा हुआ था कि ये पहचान वाले कफ पहचान लिए जाए। लेकिन वो दोनों बहनें जब देखती हैं कि ये कफ तो दूसरे हैं, ये बच कैसे गए। लेकिन उस चाय को उसकी बहन कहती है ये आप पी लो, बोले हम तो नहीं पियेंगे, आज हमने व्रत रखा है, ना बात बनाने लगी। वो कुत्ता होता है, उसे चाय डाल दी जाती है, आवारा कुत्ता। वो कुत्ता चाय पीने के बाद मर जाता है। मरने के बाद दोस्तों पता चलता है कि इसमें जहर दिया गया था। तब सोनम और शिवम पूछता है क्या आपने ऐसा हकीकत में किया जो भोजन दिया था, चाय पीने से ये दोनों मर गए। जो होना था वो हो चुका, मैं नहीं चाहता, मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं एक अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। तो उसकी वो सोनम होती है, तुमने हमारे पीछे जेल काटी, मुसीबत उठाई, लेकिन जहां दो दिल मिलते हैं, सच्ची आत्मा में प्रेम होता है, हृदय में जगह होती है, वहां परमात्मा निवास करता है। अगर हमारे दिल में आपके लिए जगह है तो आपको मैं पसंद करती हूं, तुम मेरे साथ शादी कर लो। दोनों बहनें तो नाराज हो जाती हैं, लेकिन एक मंदिर में जाकर के वो दोनों अपनी शादी कर लेते हैं, पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। और जो उसका उसमें शेयर होता है मकान में, वो आधा 1/3 हिस्सा ले लेती है, और दोनों ही बड़े प्यार से पति पत्नी के भाव से शिवम और सोनम रहने लगते हैं, अपनी जिंदगी बड़ा सुकून से काटते हैं। दोस्तों, क्या शिवम और सोनम ने ये कार्य सही किया या लड़कियों ने वो गलत किया, जहर दिया, क्या इसमें किसकी गलती थी, कमेंट करके अवश्य बताइए। और हमारे पास कुछ लोगों के नाम आए हैं, हम नाम बताएंगे। ये है संजेश हैं, ये इटावा से हैं, ये राहुल हैं, मैनपुरी से हैं, और ये लोकेश यादव आगरा से हैं, और असद अंसारी ये अलीगढ़ से हैं, और कुल्लू नरेश और रमेश ये लोग सब दिल्ली से हैं।
इनका जन्मदिन है, सबके लिए हार्दिक बधाई, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैंने आप तक ये कहानी पहुंचाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है।